दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन. उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो वो इंडिया को समझ ही नहीं पा रहे हैं. जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, क्या वही इतिहास है? कि हिस्ट्री जो लिखा हुआ है और जो हमें पढ़ाया जाता है वही इतिहास नहीं है. उन्होंने बहुत डिस्टर्ब भी किया मूवी देखने के दौरान, क्योंकि मूवीज उनको समझ में नहीं आ रही थी. द कश्मीर फाइल जो काफी लोगों को लोकप्रिय जो फिल्म है वहां रही है, अपने और आकर्षित कर रही है, क्या है इस फिल्म? मेरा नाम एसके झा है. आपके चैनल को पे बहुत सारी वीडियोस हैं हमारी. तो मामला ये है कि ये फिल्म मैं भी आज सुबह सुबह टाइम निकाल के आया था. मैंने टिकट अरेंज किया और किसी तरह टिकट मिला. चूँकि मूवीज सच में अगर आप कहिएगा तो हिस्ट्री, एक लाइन इसमें बड़ी अच्छी बोली गई है कि हिस्ट्री जो लिखा हुआ है और जो हमें पढ़ाया जाता है वही इतिहास नहीं है. इतिहास को फिर से एक बार नए नज़रिए से नए भारत में देखने की ज़रूरत है. जब आप मूवीज़ को देखिएगा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को जो हिस्ट्री में बताया गया, या तो उस टाइम के लोगों ने चीज़ों को बारीकियों से नहीं देखा, वैसे साधन नहीं थे उपलब्ध. इस मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, क्या वही इतिहास है या कुछ इतिहास छुपे हुए भी? तो उसी पर बातें चल रही है और शायद कुछ इतिहास अभी भी छुपे हुए हैं. उसे निकालने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है. गंदी मानसिकता को फैलाने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये नहीं कहूँगा कि इस मूवीज़ को देखिए और आप किसी से नफरत कीजिए, किसी से प्यार कीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत अभी भी है. अभी भी आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी. आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो अपने चीज़ों को अच्छे से समझना होगा. हम अगर खुद को नहीं समझ सकते तो हम खुद का इलाज नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें खुद को समझना होगा. मूवी बहुत अच्छी है, आज के यूथ को ज़रूर देखनी चाहिए. और नफ़रत फैलाने के लिए नहीं देखनी चाहिए, अपने चीज़ों को समझने के लिए देखनी चाहिए, अपने भारत को समझने के लिए देखनी चाहिए. तो मैं अगर आपके पास समय हो तो आज के युवाओं से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप एक बार समय निकालकर या तो मोबाइल फोन पे या तो सिनेमा थिएटर्स में जाके जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है. आपको अपने भारत को समझने का मौका मिले. मुझे ये बताइए कि इसमें जो फिल्म में जो पंडितों के बारे में जो कहा गया है, जो पलायन कर रहे थे जो पंडित, उसमें थोड़ा बहुत मुझे बताइए. देखिए, ये पंडितों, चूंकि होता क्या है, कहीं पर अगर माइनॉरिटीज है तो माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ के बीच में जो एक लड़ाई है ना, वो उस टाइम थी. चूँकि एजुकेशन का बहुत, देखिए इस चीज़ को अगर आप एजुकेशन से देखिएगा तो बहुत आसान तरीके से विजुअलाइज हो जाता है. मैंने जब मूवीज़ को देखा तो मेरे बगल में ही एक आदमी बैठा हुआ था, शायद वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. उन्होंने बहुत डिस्टर्ब भी किया मूवी देखने के दौरान, क्योंकि मूवीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी. बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे. मैंने उनको समझाने की कोशिश की, वो बाद में फिर समझे भी. लेकिन आप समझिए कि मूवीज़ उनको क्यों नहीं समझ में आ रही थी. व्हाई? दैट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन. उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो वो इंडिया को समझ ही नहीं पा रहे. हमारा भारत भारत था और बहुत प्यारा भारत है, बस उसे समझने की ज़रूरत है. मेजोरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ के बीच जो ये लड़ाई है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. चीज़ों एक बार इस फिल्म के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें आई जहां लगा कि नहीं, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है. लेकिन फाइनली जो हमने डिसाइड किया वो ये डिसाइड किया कि प्यार मोहब्बत से सभी चीज़ें सॉल्व हो सकती है. हाँ, लेकिन जिन्होंने गलतियाँ की हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए. मैं इसके फेवर में हमेशा रहता हूँ कि गलती जिन्होंने भी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा देनी होगी. अगर आप उसको सज़ा नहीं देते हैं तो फिर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, संविधान का मजाक उड़ता जाएगा. तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन चीज़ों को प्यार से देखने की ज़रूरत है, नफ़रत से नहीं. आपने बोला कि इसके बाद देखने का जो इतिहास देखने का जो नज़रिया है थोड़ा बहुत अलग होगा. आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, अब बच्चों को किस तरह से आप ट्रीट कीजिए? नहीं नहीं, देखिए बच्चों को हम पढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन कभी उसे नफ़रत की बात नहीं बताते हम. मेरे कहने का मतलब है, जो चीज़ें उस टाइम संसाधन के अभाव में अनछुई रह गई, उन चीज़ों को अब जोड़ने की ज़रूरत है. अब हमारा देश एक नई दिशा में जा रहा है. हमारे देश के युवा अब समझना चाहते हैं कि कौन हैं हम, क्या हैं हम, क्या थे हम. इन सब चीज़ों पे युवाओं को एक सोच देनी होगी, एक दिशा देनी होगी, और तब जाके चीज़ें ठीक होंगी. फिल्म देखने हाँ जी, अब चूँकि अभी हमारी होली की छुट्टियां चल रही है आज से,
आज से बच्चे होली मनाने घर गए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ, वो लोग होली मनाते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, एमपी से आते हैं, यूपी से आते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा 2-3 दिन का छुट्टी बहुत ज़रूरी था और इस वीकेंड हमने ऑफ रखा है। और हमको लगता है कि बहुत दिनों के बाद मैं ये मूवी देखने आया, क्योंकि मैं एक अच्छी मूवी ज़रूर देखता हूँ। मेरा मानना है कि मूवी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, और क्योंकि उसमें पॉजिटिव चीज़ें होती है। आप किसी भी मूवी को अगर देखिए उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो आजकल के युवा को, हम लोग जब बचपन में थे तो पापा कहते थे मूवीज़ मत देखो, लेकिन मैं मानता हूँ, मैं अगर एज ए गार्जियन कभी आगे जाऊँगा तो मैं ये मानूंगा कि मूवीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि मूवीज़ से पॉजिटिव चीज़ें, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। मूवी देखना इज़ नॉट अ बैड थिंग, तो मूवी आपको देखनी चाहिए। कंडीशन यही है कि आप जो है कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हो तो ज़्यादा बेहतर। सर मुझे ये बताइए कि जो पंडितों का जो रोल अदा कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं उसमें? अनुपम खेर जी हैं, बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया है। वो तो खैर ऐसे भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, और रियल में जब आप मूवीज को देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि मैं अभी कश्मीर जी रहा हूँ। मतलब आपको लगेगा, आप सोचिए कि हमसे हमारे स्वर्ग के बारे में चीज़ें छुपाई जा रही है, ये तो कहीं ना कहीं से गलत है। हम अगर अपने गुलाब के बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो ये गलत है। तो चीज़ें जो भी लोग इसमें हैं वो बहुत अच्छे से रोल को निभा पा रहे हैं, और बहुत 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 मज़ा आया मूवी देख के। एक रियल एहसास, एक रियल फीलिंग्स आई कि नहीं, भारत हमारा ऐसा था, भारत में ऐसी ऐसी बातें हुई, उन सब चीज़ों को जीने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।